तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटे में हर भर्ती की न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद आप ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल सेलेक्ट करने का फ़ायदा क्या होगा, आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। नीचे वाला कोई भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट नहीं करना है, ऊपर वाला ऑप्शन ऑल सेलेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, आज 9 अगस्त 2023 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान पत्रिका, कैरियर की उड़ान, नई भर्तियां, आवेदन प्रक्रिया शुरू। भास्कर डेली करंट अफेयर्स क्यूज, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आज का इतिहास, 9 अगस्त की महत्वपूर्ण घटनाएं। राजस्थान पत्रिका न्यूज, राजस्थान के 12 लाख युवाओं के लिए सबसे बड़ी खबर, शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट 2023 को लेकर बड़ी न्यूज। रीट 2023 सेकावाटी समेत पूरे राजस्थान के लगभग 12 लाख युवा कर रहे हैं अध्यापक पात्रता परीक्षा। रीट 2023 का विज्ञप्ति का इंतजार। कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष पद की नियुक्ति को लेकर उपेन्द्र यादव का बयान। कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष पद की नियुक्ति की मांग को लेकर सरकार से की मांग। अध्यक्ष पद के कारण हो रही आगामी भर्तियां प्रभावित, साथ ही नई अध्यापक पात्रता परीक्षा के विज्ञापन और परीक्षा तिथि की मांग की सरकार से, इसको लेकर भी करेंगे आज अधिकारियों से वार्ता। 10 अगस्त को कर्मचारी चयन बोर्ड पर अध्यक्ष की नियुक्ति सहित बेरोजगारों की मांगों को लेकर सुबह 11 बजे से रखेंगे उपवास। उपेन्द्र यादव का ट्वीट। माननीय निदेशक महोदय जी का कहना है कि लेवल 1 का परिणाम इस महीने के अंत तक जारी करके डेटा निदेशालय बीकानेर को कर्मचारी चयन बोर्ड दे देगा, तो सितंबर के फर्स्ट वीक में जिला वटन व नियुक्ति प्रक्रिया कैलेंडर जारी कर देंगे। इधर लेवल 2 का डाटा 15 अगस्त तक कर्मचारी चयन बोर्ड को निदेशालय देगा और सितंबर महीने में ही लेवल 2 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाएगी। भास्कर स्पेशल न्यूज, सीकार, इसी महीने देनी है नियुक्ति, 24,000 पद होने से अभ्यर्थी चिंतित। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 48,000 पदों पर होनी है नियुक्ति, सारे पद प्रारंभिक शिक्षा में भरे जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा में 24,000 पद फिलहाल है, 24,000 पद पदोन्नति से खाली होंगे, टोटल 48,000 सारे पद प्रारंभिक शिक्षा में भरे जाएंगे। इसके अलावा 29,000 पद थर्ड ग्रेड के माध्यमिक शिक्षा में खाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी घोषणा, मन चलो को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। मन चलो के करेक्टर सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा ये छेड़छाड़ में शामिल है गहलोत। राजस्थान में अक्टूबर में लग सकती है आचार संहिता, 4 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच आचार संहिता लग सकती है। इससे पहले ही मिलेगी भर्तियों में नियुक्ति, उसके बाद भर्तियों में नियुक्ति नहीं मिलेगी। अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि बदलने का फर्जी आदेश वायरल, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जूनियर अकाउंटेंट भर्ती मामला। फर्जी प्रेस नोट में 22 अक्टूबर बताई जा रही है, जबकि बोर्ड ने परीक्षा तिथि 17 सितंबर निर्धारित कर रखी है। मामले में बोर्ड अध्यक्ष हरि प्रसाद ने बताया कि परीक्षा की तिथि बदलने को लेकर आदेश जारी नहीं हुए। RPSC RAS 2021 प्रारंभिक परीक्षा 1 अक्टूबर को, राजस्थान पत्रिका न्यूज, RPSC अजमेर। बीते 10 साल में बैठे परीक्षार्थी, RAS 2013 से लेकर 2023 तक, 5वीं 8वीं बोर्ड पूरक परीक्षा 10 अगस्त से बीकानेर, राजस्थान पत्रिका न्यूज।
छात्रवृत्ति योजना आवेदन की तिथि 31 तक बढ़ाई। राजस्थान पत्रिका न्यूज बीकानेर। प्रशिक्षा शास्त्री टेस्ट की आवेदन 31 तक संस्कृत विश्वविद्यालय ने जारी किया प्रवेश कार्यक्रम जयपुर। आरएएस प्री 1 अक्टूबर को करीब 7 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। भास्कर न्यूज आरपीएससी जयपुर। युवा शिक्षा अवसर न्यूज। भास्कर इंटरव्यू कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा के साथ सवाल, प्रदेश में पेपर लीक होने के पीछे क्या कारण है? जवाब, नौकरियों में कमी, आवेदन करने वाले ज्यादा, कार्यकाल पूरा होने से पहले ही बोर्ड अध्यक्ष का पद छोड़ने का निर्णय क्यों? जवाब, कार्यकाल 7 अक्टूबर को पूरा हो रहा था, तब तक परीक्षा ही करा पाता, इसके तुरंत बाद 5 परीक्षाएं होनी थी। आने वाले अध्यक्ष को इन 5 परीक्षाओं की तैयारी का समय नहीं मिल पाता। उम्मीद है कि आप अध्यापक भर्ती परीक्षा परिणाम जल्द जारी करेंगे। अध्यक्ष का बयान, दस्तावेज सत्यापन का काम चल रहा है, परिणाम को लेकर पूरी व्यवस्था बनी हुई है, इसलिए आने वाले अध्यक्ष को भी परिणाम जारी करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। पेपर लीक के लिए आप सबसे अधिक किसको जिम्मेदार मानते हैं? अध्यक्ष रहते ऐसा कौन सा काम नहीं कर पाए जो चाहेंगे कि आने वाला अध्यक्ष करे? जोधपुर। युवा शिक्षा अवसर न्यूज। राजस्थान पुलिस भर्ती जैम 2023। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय एमएससी प्रीवियस सेमेस्टर प्रथम में आवेदन विलंब शुल्क के साथ 11 तक। जैम 2024 आवेदन प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू। कोटा। युवा शिक्षा अवसर न्यूज। बीकानेर। युवा शिक्षा अवसर न्यूज। 1.5 महीने में सिर्फ 15,000 रजिस्ट्रेशन, पिछले साल 1.65 लाख ने सबमिट किया आइडिया। एमजीएस विश्वविद्यालय में बनेगा आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब। सी फाउंडेशन बीकानेर के 28.36% अभ्यर्थी हुए उत्तीर्ण। श्रीगंगानगर। भास्कर न्यूज। 5वीं 8वीं की पूरक परीक्षा, जिले भर के 18 केंद्रों पर 2000 जैसे ज्यादा परीक्षार्थी देंगे सप्लीमेंट्री। कल पहला पेपर अंग्रेजी का। सप्लीमेंट्री परीक्षा का परिणाम जल्द जारी होगा। आरबीएससी ऑनलाइन मंगा रहे हैं मार्क्स। अजमेर। अजमेर। युवा शिक्षा अवसर न्यूज। पिछली बार 2046 के अंदर पर हुई थी परीक्षा, इस बार 2100 से अधिक की संभावना। आरएएस भर्ती 2023 1 अक्टूबर को। एमडीएसयू में बीएससी ऑनर्स और बीपीएस कोर्स को मंजूरी, लेकिन एडमिशन शुरू नहीं। इधर आरपीएससी सेकेंड ग्रेड पंजाबी विषय का परिणाम जारी। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड काउंसलिंग 16 को 101 छात्रों को बुलाया। 8वीं में पास होने पर ही अगली कक्षा में मिलेगा प्रवेश। इग्नू में प्रवेश के लिए कल अंतिम दिन। अजमेर। राजस्थान विश्वविद्यालय की 10 अगस्त की परीक्षाएं स्थगित। अध्यापिका स्कूल के छात्रों से करवाती है बच्चे की देखभाल। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 5 सितंबर को बीकानेर। 9वें डे पर बौद्धिक कौशल सुधारेंगे बच्चे, रिपोर्टर व आर्ज बनेंगे, लेखक व कवि के जीवन पर अभिनय करेंगे। आरएस 2023 सहित 4 प्रमुख भर्ती परीक्षाएं सितंबर अक्टूबर में प्रस्तावित। कुल 2968 पदों पर करेगी आरपीएससी भर्तियां। शिक्षक दिवस। 33 जिलों के 99 शिक्षकों का होगा सम्मान। सांचौर सहित 17 जिलों के शिक्षकों को रहना पड़ सकता है वंचित।